और ये है हमारा रूम, और ये हमें मिला हुआ है सेपरेट गार्डन, और ये आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा व्यू है। आज हमने प्रॉपर्टी चेंज करी है, दिस इज ऑक्सीजन पालोलिम, और ये यहाँ की बेस्ट प्रॉपर्टी है। और सबसे बढ़िया जो चीज़ है ना यहाँ पर वो है ग्रीनरी, यहाँ इतनी ग्रीनरी है कि आपको बता नहीं सकते हैं। और यहाँ पर जस्ट लेफ्ट जाते ही बीच स्टार्ट हो जाता है, जो आपको अभी सोनम दिखाने वाली है। और सुनो, प्रॉपर्टी का बेस्ट पार्ट है कि ये पूरा गार्डन बना हुआ है, राइट में ही इनका कैफे है, और पीछे इनका कैफे बना हुआ है बार, और उसके आगे ही जो है समुंदर है। और ये है हमारा हट, खोलिए प्लीज, क्योंकि बाप भी कभी बेटा था क्योंकि बाप भी कभी बेटा था। वाह, यहाँ बेस्ट क्यों हो रहा है। और ये है हमारी हट, ताकि मैट पे आप क्लीन करके अपने पैरों को आप अपने बेड पे चढ़े। और यहाँ का जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना कि यहाँ का जो कैफे है, रूम सर्विस है, वो आपके यहाँ कैफे का नाम दे दिया गया, रॉकी कैफे है। ये उसका व्यू है जाने का, ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, फ्लावर सी फ्लावर है। और यहाँ पर जो सबसे प्लस पॉइंट हमें देखा ना अभी सारी प्रॉपर्टीज के अंदर, वो ये है कि यहाँ पर हर रूम्स के बाहर आपको सैनिटाइजर का एक सैनिटाइजर के लिए रखा हुआ है, पिलर टाइप का, जो मतलब इंडियन वो है। और हर रूम्स के बाहर में टब पड़े हुए हैं कि ताकि आप अपने पैर क्लीन कर लीजिए। किसी किसी के पास शावर है। ये है इनका कैफ़े, रॉकेट कैफ़े। और सबसे और लेफ्ट साइड में स्पा बना हुआ है, एक्वा स्पा। द बेस्ट पार्ट इज ब्यूटी ऑफ द प्लेस, बहुत ही अच्छी है। और प्लस यहाँ पे अभी तक कीड़े मकोड़े नहीं दिखे, मतलब क्लीनिनेस बहुत है। और जैसे हम ना इससे पहले लाला लैंड में गए थे, तो वो प्रॉपर्टी ना एक तो खंडर सी पड़ी हुई थी, तो ये यूज़ हो रही है प्रॉपर्टी, तो बहुत ही ज़्यादा मेंटेन्ड है, तो इस वजह से यहाँ पे बड़ा सेफ सेफ सा लग रहा है बच्चों के साथ। और सामने बीच सामने है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ वैसा फील भी नहीं हो रहा के दूर है या कुछ भी है, और मेंटेन्ड है, तो वॉशरूम भी क्लीन है। ये इनका रिसेप्शन है, लेट्स गो टू बीच। ये बीच का रास्ता है, इनके पीछे ही इनके यहाँ ब्लू कैफे बना हुआ है, जो इन्हीं की प्रॉपर्टी है। यहाँ तक ये विलाज बने हुए हैं, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड विलाज है हमारा। बेसिकली कि हम दो लोग थे, तो हमने एक सेपरेट इनका डिलक्स और सुपर डिलक्स समथिंग कुछ होता है। स्टैंडर्ड का साइज थोड़ा सा छोटा है, और बड़े में 10-15 स्क्वायर मीटर आपको एक्स्ट्रा मिलता है। ये देखिए यहाँ से ये रिजॉर्ट ख़त्म हुआ, छोटा सा रास्ता है, और ये बना हुआ है इनका कैफे ब्लू समथिंग करके। यहाँ पर टेम्परेरी हट्स रहती हैं, बट उनके ना वॉशरूम थोड़ा इशूज रहते हैं, तो इसलिए जोर से हिलते हैं, तो वही प्रेफर कि हम पक्की प्रॉपर्टी लें जो मतलब फिक्स हो। तो कोविड की गाइडलाइंस आई हुई हैं, क्योंकि 9-10 बजे तक अभी यहाँ बंद हो रहा है। स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बट मोस्ट पब्लिक यहाँ 10-11 बजे बंद हो जाता है। दिन का व्यू, नाइट व्यू टोटली डिफरेंट है। क्राउड बहुत लेस हो गया कोविड की वजह से, 1000 से 2000 केसेस डेली मिल रहे हैं गोवा के अंदर। मास्क का फाइन चालू है, बीच में भी मास्क लगाओ, मार्केट में भी मास्क लगाओ,
तो भैया जो भी आने वाला ध्यान से आओ, क्योंकि हम तो थक गए मास्क लगा के, दो दिन से मास्क ही मास्क है, गाड़ी में भी मास्क लगाओ। तो लेट्स सी, ट्रिप तो पूरा हो गया है, अब जो भी आएगा मास्क का ध्यान रखो, सैनिटाइजर का ध्यान रखो। कोविड जो है तो दिक्कत ही, जान अपनी अपने हाथ में है, तो जान बचेगी तो घूम लेना, बाकी डू टेक प्रिकॉशंस। थैंक यू। ये नाइट व्यू है जिस प्रॉपर्टी पे हम रुके हुए, आपको बताया था, ये मैं इसके बिल्कुल लास्ट में गया था, ये लास्ट में इसकी हट्स हैं, यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है, हमारी हट जो है ये राइट लेके ये लेफ्ट वाली जो है वो हट है वहाँ पे हमारी डबल वाली, ये लेफ्ट है, इंडिविजुअल हट्स होती हैं सिंगल बेडरूम वाली, हमारी जो है वो बेसिकली होती तो सिंगल बेडरूम ही है, बट उसमें यह है कि आमने सामने आपको बेडरूम्स मिल जाते हैं दो, और आपको वो मिल जाता है गार्डन एक थोड़ा सा सेपरेट मिल जाता है, ये वाला, बच्चे बच्चे सब सो गए हैं, बीवियाँ सुला रही हैं उनको, हम लोग बाहर आ गए वीडियो बनाने। और यहाँ का मतलब एम्बियंस बहुत अच्छा है, व्यूज़ बहुत प्यारे हैं, सी द ब्यूटी। प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, क्योंकि आगे जो प्रॉपर्टीज रहती है ना वहाँ थोड़ा मच्छर मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जस्ट एक ये इसके पीछे ही एक प्रॉपर्टीज होती हैं, चार पांच हट्स बनाई होती हैं जो कैफेज़ वगैरह होते हैं, उसमें मैं ऑलमोस्ट चार बार रुका हूँ, चार साल से हम इसी बीच पे आ रहे हैं, वो भी बहुत बेस्ट रहती हैं अगर आपको व्यू चाहिए समुंदर का, पर अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो दिस वन इज़ द बेस्ट। तो जी कैमरामैन हमने हायर कर लिया है, विजय कुमार सोनी आ जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो इस तरीके की प्रॉपर्टी अच्छी है, क्योंकि जो समुंदर के सामने प्रॉपर्टी होती है ना उसमें दिक्कत क्या रहती है, इंसेक्ट्स और मच्छर बहुत रहते हैं, मच्छर यहाँ भी हैं बट कम है, बट यहाँ पर क्या है वेल डेवलप्ड है, बच्चा खेल सकता है, ग्रीनरी है प्रॉपरली, और हट्स प्रॉपर मेंटेन है, आगे जो हट रहती है ना वो टेम्परेरी बनाई जाती है, मार्च में हटा देते हैं, अक्टूबर में फिर बना लेते हैं, क्योंकि इनका सीज़न क्या होता है यहाँ पर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ये विजय भाई है, विजय भाई आज यूट्यूबर बन रहा है। हाँ जी दिखाओ हट्स, कहाँ दिखा रहे हो हट्स, ये इधर देखिए पहले आप, 35 मीटर में एरिया, ये 35 स्क्वायर मीटर में है, इधर भी है ये। हाँ, और हम जो रुके हुए हैं हम डबल वाली में रुके हैं विद गार्डन वाली, डबल वाली जो उधर विद गार्डन है, ये दोनों तरफ गार्डन है इसमें। हाँ। बहुत प्यारा है, और सबसे बड़ी बात जितने ही पूरे गोवा में प्रॉपर्टीज हमने देखी है, सैनिटाइजर हमें किसी प्रॉपर्टी नहीं मिले, इसमें जगह जगह सैनिटाइजर लगाए, जगह जगह यहाँ पर सैनिटाइजर देखिए, और रूम के बाहर कोविड के लिए सैनिटाइजर रखे हुए प्रॉपर्ली, यहाँ किसी रूम में भी ना चप्पल पहन के एंट्री नहीं है। हाँ, चप्पल पहन के एंट्री नहीं है, बाहर टब्स पड़े हुए हैं, इन्होंने टब्स लगा रखे हैं या स्प्रे जेट लगा रखे हैं ताकि आप पैर वॉश करके जाएं अंदर। और ये कैफे है, ये इनका कैफे है, इसका खाना बहुत टेस्टी, बहुत यमी खाना है इसका। और इधर जो है इनका, यहाँ से सीखा रास्ता, इधर जो है इनका केरला मसाज पार्लर है, ये स्पा है, अभी बंद हो गया है, तो ये इधर राइट में स्पा दिया हुआ है, यहाँ किसी इंडिविजुअल का घर है, और ये आगे जो दिख रहा है ये इन्हीं का कैफे है, रूम्स में आपको मिलता है, दिस इज ऑल्सो एक्वा स्पा, तो द प्रॉपर्टी इज़ वेरी बेस्ट। और अभी आपको ये रॉकेट जो कैफे है इनका, अभी तक हम कैफे आए नहीं थे, हम अंदर से ऑर्डर कर रहे थे, लेट्स सी द व्यू ऑफ द कैफे, कैफे भी बहुत प्यारा है, कैफे भी बहुत अच्छा है दिखने में। तो लेट्स सी, हम यहाँ डिनर करने आते हैं, रूम पे करते हैं, अभी तो ग्लासियाँ चल रही हैं, मंगा ली हैं, क्योंकि अगली यहाँ बीच पे ना मॉस्किटोज बहुत हैं, तो हम दो तीन दिन से बीच पे खाना खा रहे हैं, तो खा खा के बोर हो गए, आज हम रूम पे ही खाएंगे क्योंकि लास्ट डे है, तो पीते हैं और खाते हैं, और यहीं पे हम जो है इसको प्रॉपर्टी का जो हमारा टूर है उसको एंड करते हैं,
और इसी के साथ में जो पालोलिम का बीच था इसको हम आज की वीडियो का एंड करेंगे। सोनम बाद में इसमें कुछ ऐड करना चाहेगी तो वो आपको बताएगी। बाकी कल वी विल शो यू द लास्ट बीच एंड द डेस्टिनेशन विच इज़ एगोंडा बीच। आई थिंक एगोंडा ही है वही। कल हमारी फ्लाइट है तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।